मैं नियाज भाई चाय वाला भिवंडी के सभी भाइयों से बहुत ही मोदबाना गुजारिश करता हूं कि आने वाले 21 अगस्त को, जो कि बुध का दिन है, हमें आपको सभी लोगों को पावर लूम दुकान होटल सब पूरी तरह से मुकम्मल भिवंडी को बंद करना है। यह सिर्फ भिवंडी ही बंद नहीं हो रहा है, बल्कि भारत बंद का ऐलान हुआ है। और भारत बंद का ऐलान करने वाले जो लोग हैं, वह सभी के सभी लोग अंबेडकरवादी हैं। और इन सभी अंबेडकरवादियों ने भारत देश की जनता से यह अपील की है कि जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, वह फैसला ऐसा इस तरह का है कि 80 यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। यानी यूं कहा जाए कि ये संविधान में छेद करने वाला है, इसलिए इसको रोकने के लिए हम आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम 21 अगस्त बरोज बुध के दिन अपना कारोबार बंद रखें। SC ST भाइयों के साथ सहयोग करें और संविधान की रक्षा करें। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग इसमें शरीक हैं, उसमें एक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश माने साहब हैं, जो कि वह भारत देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान में PhD किया है, और संविधान के ताल्लुक से वो बहुत ज्यादा जानकार हैं। उनकी कही हुई बात, जो वो बात बताएंगे या कहेंगे, वो माने रखती है और वो सच पर आधारित होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रोफेसर माने साहब जैसे लोगों की अपील को मान करके भारत बंद में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से, भिवंडी के लोगों से बार बार अपील करूंगा कि भाई साहब, आप सभी लोग 21 तारीख बरोज बुध को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक अपना सारा कारोबार बंद रखें। SC ST भाइयों के साथ सहयोग करें, भारत के संविधान में होने वाले किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकें। यही मेरी